नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत जो अपन ने इसके स्थानीय संसाधनों का शैक्षिक महत्व के बारे में अपन अध्ययन किया था, आज अपना है समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन। समुदाय में उपलब्ध समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन, इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो भौतिक विज्ञान अध्यापक समुदाय में उपलब्ध निम्नलिखित शैक्षिक संसाधनों के द्वारा अपनी शैक्षिक जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावशाली या लाभप्रद बना सकता है ना। इसके अंतर्गत जो प्रभावशाली या लाभप्रद बना सकता है, इसमें जो पहला है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्थान। इसके अंदर जो बताया गया है जो स्थानीय ऐतिहासिक स्थानों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के ऐतिहासिक स्थानों को भी दिखाने के लिए भ्रमणों या शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए, है ना। जो भी इसके अंतर्गत जो यात्रा होती है, जो भ्रमण या शैक्षिक जो यात्रा होती है उसका आयोजन किया जाना चाहिए, और इस प्रकार के छात्रों की जो मस्तिष्क में जो अर्जित ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। क्योंकि अगर जैसे कि अपन है ना कोई पिकनिक अगर जाते हैं तो बच्चों को लेकर जाते हैं, तो वहाँ जो भी तरह तरह की बहुत सारी वस्तुएं बहुत सारी चीजें देखने लायक होती है ना, तो वो बच्चे अगर उस चीज को वास्तविक रूप से उसको परिपक्व हो जाते हैं, देखने के रूबरू हो जाते हैं, तो उस बच्चे के माइंड में जो मस्तिष्क में जो ध्यान अर्जित होता है वो बहुत ही विकसित होता है ना, स्थानीय ज्ञान हो जाता है, वो प्रॉपर परमानेंट वो उस ज्ञान को अर्जित कर लेता है। प्रैक्टिकल चीज करके अपन देखते हैं तो उनको वो ज्ञान बहुत ही मतलब माइंड में एकदम याद रहता है ना। उसी के हिसाब से ये ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत अपना जो बताया गया है सेकंड प्रशासनिकीय संस्था है, प्रशासकीय संस्था है। इसके अंदर जो बताया गया है जो प्रकाशकीय संस्था होती है, इसमें जो अंतर्गत में जो संस्था विभाग आते हैं है ना, इसके जो जिनके द्वारा स्थानीय प्रशासन संबंधी जो कार्य किए जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत नगर पालिका, जिला परिषद, जिला न्यायालय एवं स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं आदि इसी के अंतर्गत आती है, जो इन संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली को प्रायोगिक जानकारी के लिए छात्रों को वहां पर ले जाया जा सकता है, अर्थात छात्र निरीक्षण में अवलोकन के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके अंतर्गत भी ये एक बच्चों को अगर अपन है ना ग्राम पंचायत नगर पालिका जिला परिषद या जिला न्यायालय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो आती है वहाँ अगर उनको बच्चों को ले जाकर अगर उनको ज्ञान अगर अर्जित करवाते हैं तो उसके प्रशासनिक संस्था के अंतर्गत बताया गया है कि मतलब बच्चा का ज्ञान बहुत ही उस प्रैक्टिकली करके अगर वहाँ अगर ले जाते हैं प्रैक्टिकली बच्चा वो उस चीज़ को समझता है। फिर अपना इसके अंतर्गत आता है स्थानीय भौगोलिक वातावरण, थर्ड आता है स्थानीय भौगोलिक वातावरण। स्थानीय भौगोलिक वातावरण
है ना। इसके अंदर जो प्रत्येक समाज वहाँ के जो भौगोलिक वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो छात्रों को निम्नलिखित तत्वों को ज्ञान कराया जा सकता है, जैसे कि विद्यालय की स्थिति का भौगोलिक परिवेश, विद्यालय की स्थिति, विद्यालय की स्थिति का भौगोलिक परिवेश है ना। जो विद्यालय की जो स्थिति होती है गुरुकुलों का भौगोलिक परिवेश, उसको बच्चे को स्थानीय जो भौगोलिक वातावरण के हिसाब से मालूम हो जाती है, उसी के हिसाब से फिर उस परिवेश में लोगों का स्वास्थ्य, उस परिवेश में लोगों का स्वास्थ्य है ना, उस परिवेश में मालूम किया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार का जो परिवेश में जो लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार है उसके अंतर्गत बताया गया है ना। फिर अपना आता है थर्ड आता है भौगोलिक परिवेश का जन जीवन के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव, जन जीवन के रहन सहन के स्तर का प्रभाव है ना। जनजीवन अपना रहन सहन खान पान जो भी है किस प्रकार है उसको, उस चीज को जनजीवन के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव स्थानीय जो भौगोलिक जो वातावरण है उसके हिसाब से मालूम चलता है और नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर इसी के अंतर्गत अपना आता है फोर्थ प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है ना। इसके अंदर जो बताया गया है कि स्थानीय जो नदियां झीलों पर्वतों तथा प्राकृतिक संपदा है ना आदि, इसके अंदर जो प्राकृतिक जो छात्र कक्षा में पेड़ पौधों के चित्र देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें निवेश होती है ना। प्रैक्टिकली अगर बच्चों को अगर वहां ले जाकर उनको बताओगे कि ये समुद्र है, ये तालाब है ना, ये नदियां है, तो ये बच्चा उस चीज को समझता है और प्रैक्टिकली अगर आप अपना डायग्राम बनाकर उसको भी सिखाते हो तो उस चीज को वो अच्छे से ज्ञान अर्जित करता है और उस चीज को वो टॉपिक से अच्छा समझ सकता है ना। फिर इसी के अंतर्गत आता है अपना फिफ्थ सार्वजनिक शिक्षा संस्था है, सार्वजनिक शिक्षा संस्था है ना। इसी के अंतर्गत बताया गया है जो समाज सेवा में निरंतर कार्य कार्य पोस्ट ऑफिस अस्पताल बैंक टेलीग्राम ऑफिस जल एवं विद्युत विभाग तथा रेड क्रॉस आदि संस्थाओं के कार्य संचालन का प्रत्येक ध्यान छात्रों को कराया जा सकता है ना। ये जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थान है ना, तो वहाँ बच्चों को प्रैक्टिकली वहाँ ले जाएगा तो बच्चों को रूबरू अगर वो उस चीज़ को समझाया जा सकता है तो उसके माइंड में बहुत ही ज्ञान अर्जित होगा और ज्ञान छात्रों को कराया जा सकता है। और इसके लिए जो अध्यापक द्वारा जो शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है, इसके भी बच्चों को है ना इसके अंतर्गत जो शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया है शिक्षा संग्रहालय,
संग्रहालय को पुराने एवं नए संचार को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संग्रहालय को, संग्रहालय जो पुराने एवं नए संचार को, संसार को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जो संग्रहालय होता है वहाँ पुराने जो भी जितने भी जो महाराजा राजा या जो भी कार्य किया है वहाँ तो वह संग्रहालय में वो पुरातत्व विभाग के रूप में, जैसे कि तो वहाँ सारी चीज मतलब अवेलेबल है, तो उसको रूबरू आप उस चीज को समझा सकते हो। पहले के जमाने में क्या होता था, अब क्या होता है, उसमें पहले और क्या होता था, अब किस प्रकार के नवीन और जो पुराना दोनों उस चीज को रूबरू बच्चों को ज्ञान अर्जित करवा सकते हैं। जो संग्रहालय के माध्यम से जो बालकों को जो समाज के परिवर्तित स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त कराया जा सकता है। समाज के अंतर्गत जो पहले किस प्रकार का समाज चलता था, उसमें क्या क्या परिसर संविधान आती थी, उस समाज किस प्रकार चलता था, आज के नवीन युग में किस प्रकार चलता है, ये सब उस बच्चे को अपन मतलब ये बच्चा इस चीज को खूब रूबरू और उस चीज को अगर समझेगा उसको ज्ञान अर्जित कर सकता है। फिर इसी के अंतर्गत आता है चिड़ियाघर सेवन जो आता है ना, चिड़ियाघर है ना, इसके अंतर्गत जो अपन जैसे कि बच्चों को जू ले जाते हैं, है ना, तो चिड़ियाघर होता है, बहुत बहुत जीव जंतु जानवर जो भी होते हैं बहुत सारे, तो उनको पकड़ने के लिए अगर बच्चों को उस पिकनिक अगर लेकर जाते हैं तो उस चीज को वो बच्चा वो समझेगा कि हाँ बाकी ये पैरों में या फिर ये टाइगर है, ये जिराफ है ना, तो ये चीज सारी चीज उस चीज को रूबरू देखकर उस चीज को समझता है ना, तो ये बच्चे का एक ज्ञान उस चीज को बहुत ही आकर्षित करता है, उस चीज को माइंड में वो प्रैक्टिकली करके वो उस चीज को समझ लेता है ना। इसलिए बच्चों को पिकनिक लेकर ले जाना पड़ता है, तो झूठ को या मिल जाए तो बच्चों को बहुत सारी चिड़िया होती है, पशु पक्षी होते हैं ना, तो रूबरू उस चीज को समझ सकते हैं। जो छात्रों को अवश्य ले जाना चाहिए है ना, ऐसा नहीं ले जाना चाहिए, बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए ताकि उस चीज को प्रैक्टिकली करके उस चीज को समझ सके और माइंड में अच्छा उनको मन और चिंतन भी लगे और बहुत ही अच्छा लगे उसको है ना, तो खुशी महसूस होगी उन बच्चों को। फिर अपना एयर का क्या है, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र है ना, इसके अंदर जो बताया गया है स्थानीय जो उद्योग एवं कला कौशल केंद्र होता है, स्थानीय उद्योग एवं स्थानीय उद्योग एवं कला कौशल केंद्र होता है। इसके अंदर जो शिक्षक द्वारा जो छात्रों को स्थानीयकरण का व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान कराने की चेष्टा करना चाहिए है ना, उस चीज को बच्चे औद्योगिक केंद्र लगे हुए हैं उसके जो ज्ञान और कराने की चेष्टा करना चाहिए। अतः जो छात्रों को जो स्थानीय समाज की जो कुटीर उद्योग है ना, कुटीर जो उद्योग वो तथा अन्य बड़े बड़े जो उद्योगों केंद्रों का निरीक्षण करवाने के लिए विभिन्न यात्राओं का आयोजन कराना चाहिए। विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती है, तो बच्चों को अगर किताबी ज्ञान करवाते हैं तो उसके हिसाब से उसको प्रैक्टिकली करके अपन है ना पिकनिक के माध्यम से उनको हर चीज का ज्ञान अर्जित करवा सकते हैं है ना। तो ये एक जो विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक केंद्र है उसके बारे में अपन की जानकारी बच्चा उस चीज को समझ सकता है ना। फिर नेक्स्ट जो अपना लास्ट आता है सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। इसके अंदर जो बताई गई है मैं जो संस्था है सामाजिक जो राज्य के निर्माण में सहायक होता है, राज्य के निर्माण में सहायक होता है, जो समुदाय केंद्रों के अंतर्गत परिवार विवाह रीति रिवाज एवं परंपरा आदि आते हैं है ना, ये चीज आते हैं और ये राज्य की तरह होता है जो बच्चा उस चीज को मतलब रीति रिवाज क्या है, विवाह क्या है, परिवार क्या होता है ना, ये परंपराएं आदि आते हैं और समाज
समाज के अंतर्गत बहुत ही इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को विशेष तौर से आप ध्यान रखना और अच्छे से इसको देख लेना, है ना। तो ये एक कहने का मतलब ये है, छात्रों को इन संस्थाओं का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु समुदाय में ले जाना चाहिए, एक समुदाय के अंतर्गत ले जाना चाहिए ताकि उस चीज को वो समझ सके। वहाँ सामुदायिक केंद्रों में जो प्रचलित पद्धति के विषय में सरलता से छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, है ना। एक समुदाय के अंतर्गत उस चीज को सरलता से ज्ञान को उसको समझाया जा सकता है। तो आज के लिए जो अपने समुदाय में जो उपलब्ध शैक्षिक संसाधन के बारे में आपने अध्ययन किया है, इसके जो नौ टॉपिक है नौ बोर्ड टॉपिक के बारे में आपने विस्तार को अध्ययन किया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से माइंड को उतार लेना, अच्छे से उतर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।